नवरात्रि पर लखीमपुर खीरी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मोहल्ला काशीनगर स्थित दुर्गा मंदिर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने ब्लेड से अपनी जीभ काटकर देवी मां को चढ़ा दी। इसके बाद वो बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया है। इस घटना से लोग हैरान हैं। शहर के नौरंगाबाद इलाके के रहने वाले ज्योति कृष्ण पांडे घर के नजदीक ही एक फॉर्म में सिक्योरिटी गार्ड है। बुधवार दोपहर वे दुर्गा मंदिर पहुंचे और ब्लेड से अपनी जीभ के आगे का हिस्सा काटकर दुर्गा माता की मूर्ति के सामने चढ़ा दिया। सिक्योरिटी को ऐसा करता देख वहां मौजूद लोग हैरत में पड़ गए। देखते ही देखते ज्योति कृष्ण की जीभ से खून निकलने लगा। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गए। लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला और इस बीच खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड को लेकर जिला अस्पताल गई है। उनकी हालत में कुछ सुधार बताया गया है। फिलहाल वे बोल नहीं पा रहे हैं।